किशनगंज में जगह जगह सड़क टूटने से जिला मुख्यालय से संपर्क भंग। दीघल बैंक प्रखंड के गुआबारी कांटाबारी के बीच पुल के टूट जाने से हजारों लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये पुल 2017 के बाढ़ में ही क्षतिग्रस्त हो गया था, तब से लोग डायवर्सन के सहारे आवाजाही कर रहे थे। पुल के बाद डायवर्सन के बह जाने से प्रखंड की एक बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। पूर्वी जोन के पदमपुर, ताराबारी, आठ गछिया, इकरा, करवामणि पंचायत के सैकड़ों गाँव का प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। आपको कटा हुआ भी दिखाएंगे, पर इन लोग को देखिए, ये लोग इस पार से उस पार जा रहा है, जान जोखिम में डालकर। यह दिगल बैंक के टप्पू रोड, गुआबारी और काटाबारी के मध्य में एक रोड जो डायवर्सन के सहारे चल रहा था, कट गया है। उसके बाद लोग इस पार से उस पार अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए जाते हुए एक ट्यूब के सहारे, वो भी निजी ट्यूब है, ये स्थानीय लोगों द्वारा ये प्रबंध किया गया है, ट्यूब के सहारे इस पार से उस पार लोग जा रहा है। आपको कटा हुआ भी दिखाएंगे, देखिए ये है, कोई बड़ी नदी नहीं है ये, लेकिन जब पानी होता है तो ये बड़ी ऑटोमेटिक बन जाती है, क्योंकि ऊपर से लगातार बारिश पड़ रही है। लगातार बारिश होने के कारण ही नदियां उफान पर है। और देखिए कटा हुआ ही को हम दिखा रहे हैं आपको, ये 2017 में कट चुका था और लोग इस पर से उस पर नहीं जा सकते हैं। देखिए सब लोग इस पार का इस पार और उस पार का लोग उस पार ही हैं। ठाकुरगंज प्रखंड के पट्टीसारी पंचायत अंतर्गत लंधारा में महानदी का जल स्तर बढ़ने से स्कूल, मदरसा और कब्रिस्तान जाने का रास्ता बंद हो गया है। बंद है, बहुत पानी का पूरा आकार बंद है। ये पानी आज के रात से ढाई बजे वहीं बहादुरगंज प्रखंड के टनटंगी और निसंदरा घाट के बीच रोड कट जाने से आम जनजीवन बाधित हो गया है। आसपास के गांव के लोगों ने जान माल के साथ टनटंगी स्कूल में शरण ली है। मूजाबारी के मदरसा टोला में आंगन में डूबने से 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं दिघल बैंक के बैरबन्ना में कल पानी में डूबे बच्चे की तलाश जारी है।